अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो गया है। ऐसे में हम यहाँ के पत्रकारों से, वरिष्ठ पत्रकारों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रहा इस चुनाव में, क्या मुद्दे हावी रहे। सबसे पहले हम आपको मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी, हिंदुस्तान से हैं। राम सकल जी हैं, ये दैनिक भास्कर से हैं। अरुणेश प्रताप सिंह हैं, ये NBT से हैं। और अखिलेश तिवारी हैं, ये राष्ट्रीय सहारा से हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, ये बताइए चुनाव में आपने क्या देखा, क्या लगा आपको? चुनाव यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प है, पूरे दिन काफ़ी वोट भी पड़े हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला देखने को मिला है। बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर नज़र आई है, और अब आगे रिजल्ट देखिए क्या होता है। जिस तरह से वोटिंग हुई है, क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है? वोटिंग काफ़ी हुई है, मतदाता अपने घरों से निकले हैं, इसमें जागरूकता का भी काफ़ी योगदान रहा है। मतदाता जागरूक किए गए और खुद भी स्वतः भी अब लोग जागरूक हैं और मतदान के लिए वो अपने आप स्वतः निकले घर से। भीषण गर्मी थी, इसके बाद ही मतदान किए हैं। अब पार्टियां अपने तरीके से इसको अपना ये अलग अलग तरीके से अपना निकाल रही कि हमको वोट मिला है या उनको वोट मिला है, लेकिन वोट किसको मिला है ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं? भारी यहाँ पे आप एक किसी पार्टी को नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बाद बहुत ही के बीच बहुत ही नज़दीकी मुकाबला है। और नुकसान किसी को देख रहे हैं आप? नुकसान यहाँ पर बसपा को हुआ है, चूँकि बसपा का यह गढ़ था अम्बेडकर नगर, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी नुकसान मैं देख रहा हूँ। पब्लिक का रुझान आप किस तरफ देख रहे हैं? पब्लिक रुझान आप वही बात घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मुकाबला सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, तो रुझान तो आप अब ऐसे तो आप बात करेंगे तो अलग अलग पब्लिक मिलेगी, अलग अलग रुझान मिलेंगे, तो उसको हम कंपाइल नहीं कर पाएंगे ना कि एक साथ किसको बता दें कि क्या रुझान रहा। लेकिन मुकाबला यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प है, बहुत नज़दीकी है। तो भैया सबसे पहला सवाल आपसे, इस चुनाव में आपने क्या देखा अभी तक? देखिए चुनाव ये स्थानीय मुद्दे इसमें गौर पूरी तरह से रहे, जो केंद्र स्तर पर देश स्तर पर जो मुद्दे थे उस पर लोगों ने वोट किया है। भाजपा जहां 400 पार के नारे के साथ जो है मैदान में थी, वहीं इंडिया गठबंधन ने उसी के विरोध में जो है संविधान का एक अभियान कैंपेन चलाया, जिसमें यह था कि अगर ये 400 पार भाजपा जो पा जाती है तो वो संविधान बदल देंगे। इसका भी असर मतदाताओं में देखने को पड़ा, और जिस तरह से वोटिंग हुई उससे भी अनुमान लगाया जाता है कि मतदाता जागरूक हुए और बहुत तेज़ी से उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। किसी पार्टी का नुकसान होते देख रहे हैं? नुकसान पहले ये जो है अंबेडकर नगर, जहां तक मामला है तो अंबेडकर नगर में ये बसपा का बहुत मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन अब की बार जो चुनाव प्रचार से आयन वक्त पर आकाश आनंद को हटाया गया और बाद में बसपा जो प्रमुख हैं मायावती जी का यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, उससे भी मतदाताओं में उहापोह की स्थिति रही और पूरी तरीके से मतदाता जो बसपा के साथ मजबूती के साथ खड़ा होता था वो खड़ा होता दिखाई नहीं पड़ा। आपको कौन सा मुद्दा हावी रहा यहाँ दिखा? कुल मिला के देखिए मुद्दा स्थानीय को तो छोड़ दिया जाए, ये जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जो इंडिया गठबंधन ने दिया, संविधान बचाने का जो उन्होंने मुद्दा दिया, और फिर वो अग्निवीर वाला जो आया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर को जो है ख़त्म कर देंगे, उससे नौजवानों में एक नया उम्मीद जगी है कि अगर कोई परिवर्तन होता है तो हमको रोज़गार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई पर नियंत्रण आएगा, तो इसको लेकर भी युवाओं ने खासकर वोटिंग की है। आपने इस चुनाव में क्या देखा अभी तक? इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहे, स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे। यहाँ चुनाव का मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है, जो काफ़ी नज़दीकी है दोनों पार्टियों में। यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बसपा का, ये कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस बार बसपा कहीं लड़ाई में नहीं दिख रही है। तो बसपा के दोनों ही प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं एक माना जाए दोनों लोग प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है किसको फ़ायदा होता दिख रहा है इसमें? दोनों प्रत्याशियों ने बसपा के कोर वोटर पर जो है वो कब्जा जमाने का प्रयास किया है। दोनों लोगों ने बसपा के वोटों को जो है अपने पाले में लाने का प्रयास किया है, तो दोनों तरफ ये वोट जाएगा, बसपा को भी जाएगा, बसपा को और सपा को भी जाएगा, भाजपा को भी जाएगा। कौन से मुद्दे हावी रहे इस चुनाव में? इस चुनाव में जैसे राम मंदिर मुद्दा रहा, और जो है योगी मोदी के ऊपर उसके बाद तमाम योजनाएं सरकार की वो बीजेपी वाले प्रत्याशी लेकर आए, उन्होंने बताया। और इसके बाद जो ये सपा है इंडिया गठबंधन का है, इनका एक मुद्दा रहा कि अग्निवीर है ये लाए संविधान का कंपनी लाए संविधान को बचाना है, आप बीजेपी आने के बाद संविधान खत्म कर देगी, ये कहीं ना कहीं संविधान वाला मुद्दा भी जो है वो काफ़ी शहर से लेकर ग्रामीण तक हावी रहा। आपको क्या लगता है इस चुनाव में आपने क्या देखा पूरे चुनाव में? पूरे चुनाव में जहाँ तक है तो पूरे चुनाव जो है मतलब आमने सामने की लड़ाई हुई,
अमूमन जो है इसके पहले जो चुनाव होते थे वो त्रिकोणीय लड़ाई होती थी, यहाँ बसपा सपा और भाजपा के बीच लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन इस बार जो है आमने सामने की लड़ाई है और आमने सामने की लड़ाई होने के कारण जो है काफ़ी टफ मुकाबला जो है दोनों प्रत्याशियों के बीच जो है देखा जा रहा है। ये मायावती का कर्मभूमि माना जाता है, क्या लगता है आपको बसपा को भारी नुकसान हुआ यहाँ पर? निश्चित तौर पर इस चुनाव में चूँकि ये कर्मभूमि रही है मायावती की और बसपा के जो है काफ़ी मतलब यहाँ से सांसद चुन के जा चुके हैं इसके पहले, और यहाँ से मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, पहला चुनाव है जब यहाँ बसपा का जो है मतदान मतलब कम दिख रहा है, उसका उसके प्रत्याशी की जो है लड़ाई से बाहर दिख रहा है, न कि तो लड़ाई ही बसपा से होती थी। इसके पहले जो चुनाव होते थे उसमें लड़ाई ही बसपा से होती थी, लेकिन ये पहला चुनाव है जब लड़ाई से बाहर हो गई है बसपा, और इसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो ऊपर से जो मतलब बसपा का जो ऊपर से जो दिख रहा है कि ऊपर से ही वो उतना नहीं दिखा उनका जो है रुझान जो है कि बहुत मजबूती से ऊपर से ही आ पाए मायावती, जबकि यहाँ अब तक जब भी चुनाव हुआ मायावती यहाँ जरूर वो करती थी, जनसभाएँ करती थी, लेकिन ये पहली बार हुआ कि जो पूरा चुनाव बीत गया मायावती ने यहाँ कोई जनसभा नहीं की, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है बहुजन समाज पार्टी को हुआ, और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा ये दोनों पार्टियाँ जो है उस बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है उस वोटर पर सेंधमारी का पूरा प्रयास किया। तो फायदा किसको आपको लग रहा है, कौन सा किसको फायदा मिला, किसको नुकसान हो रहा है? अब फायदा और नुकसान अभी बहुत कुछ कहना जो है मुनासिब नहीं होगा कि फायदा किसी भाजपा को हो गया या सपा को, दोनों चूंकि दोनों ही प्रत्याशी बसपा से आए हैं तो उनको पता है कि वो उनका जो कोर वोट कहाँ है और कहाँ से वो जो है सेंधमारी कर सकते हैं। अब ये तो जो परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि किसने जो है सेंधमारी ज़्यादा कर ले गई। राम मंदिर मुद्दा रहा इस चुनाव में? राम मंदिर मुद्दा थोड़ा बहुत चूंकि अयोध्या से सटा है तो रहा है, लेकिन जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं बन पाया। तो कुल मिला के यहाँ के पत्रकारों का यही मानना है कि इस अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। न्यूज 18 के लिए मनीष वर्मा, अंबेडकर नगर।